जो भाई बहन के प्यार को परिभाषित करता है, उसके लिए राखियाँ जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर भाई हैं तो आपकी इन राखियों में क्या पसंद है? क्या आप ब्रेसलेट वाली राखियाँ पसंद करते हैं, रेशम की डोरी की राखियाँ पसंद करते हैं, या फिर जो टॉयज़ वाली राखियाँ हैं वो आज भी आप पसंद करते हैं पहनना? रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के स्नेह का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है हिंदू धर्म के अंदर, और आज रक्षाबंधन के दिन हम आपको लेकर आए हैं राखियों की दुकान पर। आपको दिखाएंगे किस तरीके की राखियां बाज़ार में मिल रही हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग डिमांड होती है। बच्चों के लिए कार्टून वाली राखियां आती हैं, टॉयज़ की राखियां आती हैं, और बड़ों के लिए अलग अलग तरीके की राखियां आती हैं। आजकल तो फैंसी राखियों का भी ट्रेंड काफ़ी चल चुका है, तो आपको राखियों की दुकान पर आए हैं और राखी दिखाएंगे किस तरीके की राखियाँ मिलती हैं बाज़ार के अंदर। आपको कुछ राखियाँ हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि देखिए बच्चों के लिए किस तरीके से यहाँ पर ये मिकी माउस की राखियाँ रंग बिरंगी, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आती हैं। साथ ही में छोटा भीम, मिकी माउस, यहाँ पर स्पाइडरमैन, आयरन मैन, और ये टेडी बियर्स वाली राखियाँ भी काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आती हैं। साथ ही में बेन 10, छोटा भी, मोटू पतलू, डोरेमोन, सुपरमैन, ये सारी राखियाँ जो हैं ये बच्चों के लिए टारगेटेड है। यहाँ तक कि बच्चों को गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है, तो टॉयज़ वाली जो गाड़ियों की राखियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है मार्केट के अंदर। किस तरीके से आपको दिखाएं कि जब बड़े राखी पसंद करते हैं तो कुछ ना कुछ ब्रेसलेट टाइप की राखियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अलग अलग तरीके की प्रकार है और अलग अलग प्राइस रेंज में आती हैं। और भी चीज़ें अगर बात करें राखियों की दुकान पर, तो यहाँ पर ये मोहिनी तिलक रखा है। राखी में यूज़ होने वाली पर्व में सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दुकानों पे मिल जाएंगी। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार पूरी राखियाँ एक बार अच्छे तरीके से दिखाएं कि कौन कौन सी राखियाँ यहाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं। मैं कहूँगा खास करके ऊपर दिखाएँ कि ये जो पूरा आर्टिस्टिक राखियाँ यहाँ पर, जो जिसमें स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं उस तरीके की राखियाँ जो माना जाता है कि नज़र न लगे भाइयों को, बहनें इस तरह की राखियाँ भी बांधा करती हैं। स्टोन्स की राखियाँ हैं यहाँ पर, धागे की राखियाँ हैं, रेशम की डोरी की जो बात होती है रक्षाबंधन के त्यौहार पे। एक और ब्रेसलेट की राखी देखने को मिल रही है, ये देखिए किस तरीके की, ये कहीं ना कहीं मुझे डरावनी भी लग रही है, साथ में दिल भी बना हुआ है इसके अंदर, तो भाइयों की पसंद भी बदलती जा रही है आने वाले समय के साथ साथ में। किस तरीके की रंग बिरंगी राखियाँ बच्चों के लिए खास करके यहाँ फोकस्ड हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर टॉयज़ वाली हों या अतरंगी तरीके की राखियाँ हों वो उपलब्ध हैं। और कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि कितनी प्रीमियम राखियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं इस शॉप के अंदर, जो कि हम खड़े हैं इस समय कैनॉट प्लेस के शंकर मार्केट में। तो इस तरीके का बाज़ार पूरा सजा हुआ है राखियों को लेकर, और रक्षाबंधन के त्यौहार को जो कि भाई बहन बहुत ही स्नेह के साथ मनाते हैं। जो भी भाई बाहर रहते हैं वो अपनी बहनों के पास जाते हैं या बहनें राखियाँ भेजा करती हैं। इस तरीके का त्यौहार जो भाई बहन के प्यार को परिभाषित करता है, उसके लिए राखियाँ जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि एक डोरी होती है, रक्षा डोरी होती है। इसका ये वचनबद्ध हो जाते हैं भाई कि अपनी बहनों की रक्षा करेंगे, चाहे वो जीवन में किसी भी पड़ाव पर हो। अब आपको इनमें से कौन सी राखियाँ पसंद आ रही हैं, और आप अगर एक महिला हैं, एक बहन हैं, तो अपने भाई को किस तरीके की राखियाँ बांधना पसंद करेंगी, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और आप अगर भाई हैं तो आपकी इन राखियों में क्या पसंद है? क्या आप ब्रेसलेट वाली राखियाँ पसंद करते हैं, रेशम की डोरी की राखियाँ पसंद करते हैं, या फिर जो टॉयज़ वाली राखियाँ हैं वो आज भी आप पसंद करते हैं पहनना? आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।